वैसे इंडिया में ऐसी काफी सारी मूवीज हैं जो कि 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ में अवेलेबल हैं। एक तरीके से मास्टरपीस मूवीज हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि उनमें कोई बड़ा स्टार या उनकी मार्केटिंग उतने अच्छे से नहीं हुई, यानी कि टोटली अंडररेटेड मूवीज हैं। और आज के स्टूडियो में ऐसी ही टॉप 7 मूवीज बताने वाला हूँ जो कि ज्यादातर मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ इंडस्ट्री से हैं। लेकिन भाई इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप इनमें से अगर एक भी मूवी लगा लेते हैं और अगर आपका टाइम बर्बाद होता है तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब सब्सक्राइब ही नहीं किया? तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पर मूवी आती है टोबी, जो कि 2023 में आई हुई क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। और मैं अगर सच बताऊं तो इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिंपल है, इसकी कहानी बहुत सिंपल है। इसमें लोकल गैंगस्टर की रिवेंज स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से इसमें मेन लीड एक्टर राज शेट्टी ने जो एक्टिंग की है भाई, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना भाई, बिल्कुल नेल कर दिया उन्होंने इस मूवी में। साथ ही साथ उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो आपको देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही साथ इसमें जो फीमेल लीड में उन्होंने भी बहुत ही कमाल का काम किया है। साथ ही साथ हमें इस मूवी में ये भी देखने को मिलता है कि एक साइकोपैथ होने के लिए टाइप का बंदा एक लड़की के प्यार के चक्कर में क्या क्या कर सकता है। मूवी में आपको अच्छे खासे एक्शन सीन्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ ब्रूटलिटी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है जो कि हम इंडियन मूवीज से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कादर ट्विस्टन के साथ में ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है एक्शन क्राइम थ्रिलर कैटेगरी वाले फैंस के लिए, तो इसको आप जाकर जरूर चेकआउट करना। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो सोनी लिप पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में वहां पर अवेलेबल है। भाई नंबर 6 पर मूवी आती है पार्किंग, और भाई ये मूवी बहुत ही कमाल की, मतलब एक सिंपल से टॉपिक को कितना बड़ा किया जा सकता है और उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है इस मूवी के माध्यम से आपको पता चलेगा। कम एक्सपेक्टेशंस के साथ में गया था, लेकिन इस मूवी ने बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है। ये मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर पर बेस्ड मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 की है। ये मूवी आई थी 2023 में। अगर इसकी कहानी की बात करें जो कि मैंने कहा बहुत सिंपल है, उसमें हमें दो नेबर्स की कहानी दिखाई जाती है जिनके बीच में एक पार्किंग की जगह को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब भाई वो नॉर्मल झगड़ा नहीं होता है, दोनों की बिल्कुल आन बान और शान पे बात आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने पार्किंग स्पॉट को लेने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा बन जाता है कि आप जब मूवी देखोगे तो आप खुद ब खुद हैरान रह जाओगे। खासकर वो प्लानिंग करते हैं ना भाई, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरे से जीतने की, भाई वो देखने को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये मूवी तो पर्सनल रिकमेंडेड है, इसको जाकर जरूर चेकआउट करना। देखना चाहते हो तो हॉटस्टार पर देख सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। वहीं नंबर 5 पर मूवी आती है कलम, मतलब कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो तो देख लेना, स्पेलिंग लिख दूंगा। ये मूवी आई थी 2023 में और ये फैमिली कॉमेडी रोमांस पर बेस्ड मूवी है, खासकर कि इसमें आपको ड्रामा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है और ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि आप देखते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन ये आपको दिल से कनेक्ट कर लेती है, मतलब इमोशनली इतना अटैचमेंट हो जाता है कैरेक्टर्स के साथ में, उनके साथ जो होता है वो आप फील करते हो। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें एक बूढ़े कपल की कहानी दिखाई जाती है कि ये लगभग 100 साल के करीब है और अधिक इतने सालों के बाद भी बूढ़े अंकल को उनकी पत्नी का एक लैब लेटर मिलता है जो कि 60 साल पुराना है। वो अपनी बेटी के एंगेजमेंट में इतना बड़ा सीन क्रिएट करते हैं और अपनी बीवी को जिस तरीके से डांटते हैं भाई, जो सुनाते हैं ना भाई, मतलब वो सीन देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब भाई उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हो जाते हैं और उन्हें अब इनकी बीवी से डिवोर्स चाहिए। जी हाँ गाइस, मतलब इतने साल की शादी के बाद उन्हें डिवोर्स चाहिए और भाई उन्हें एक लॉयर मिल भी जाता है, तो क्या वो अपनी बीवी से डिवोर्स ले पाएंगे या नहीं और कहानी में आगे क्या क्या होता है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। आपको अच्छी खासी कॉमेडी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी इसके बीच में और ये भाई बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड मूवी है, लेकिन अगर आप उसको फुली फैमिली के साथ में देख सकते हो, बहुत ही कम फैमिली फ्रेंडली मूवी आती है क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवी का जो मैसेज है वो परिवार के बीच में एक बॉन्ड को शो करता है जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो हॉटस्टार पर देख सकते हैं, वहाँ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। वहीं नंबर 4 पर मूवी आती है दादा, जो कि 2023 में आई हुई एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा पर बेस्ड मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें दो टीनेज लड़का लड़की दिखाए जाते हैं जो कि प्यार में होते हैं और प्यार प्यार में ही वो पेरेंट्स भी बन जाते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है वो लोग काफी ज्यादा यंग हैं और अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में नहीं बनना चाहते हैं। मूवी में हमें काफी सारे इररिस्पॉन्सिबल और स्टूपिड सीन्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं और वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आती है और थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है कि जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया ना मूवी में। हालांकि लास्ट में जाके काफी कुछ देखने को मिलता है कि मतलब उनके परिवार से भी झगड़ा हो गया, रहने की कोई जगह नहीं है, दोनों की आपस में भी लड़ाई हो गई, तो वो ऐसे हालातों में अपने बच्चे को कैसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उनकी कहानी में क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का बस एक निगेटिव लगता है कि थोड़ी सी मूवी स्ट्रेची लगती है, 2.5 घंटे की मूवी मेरे ख्याल से आराम से 2 घंटे के करीब में निपटाई जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल मूवी आपको बिल्कुल बोर नहीं करती है और हो सकता है कि कुछ लोगों को रिलेटेबल भी लगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आई नंबर 3 की मूवी भाई बहुत ही कमाल की मूवी है,
ये दृश्यम के डायरेक्टर से देखने को मिलती है, तो आप समझ ही जाओगे किस लेवल की होगी। इसका नाम है नेरू और ये कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है जो कि 2023 में ही आई थी। जैसा कि मैंने बताया कि दृश्यम के डायरेक्टर है इसमें, तो भाई आपको सस्पेंस लेवल तो बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। इसकी कहानी की बात करें तो एक ब्लाइंड लड़की है टीनेज, जिसका रेप हो चुका है और उसके अंदर एक हिडन टैलेंट है। अब भाई वो ब्लाइंड है तो उसने रेपिस्ट को देखा नहीं है, तो मेन जो कैरेक्टर है लॉयर वो उसको कैसे इंसाफ दिलाते हैं लड़की को, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और आपको अगर कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद है तो भाई आपके लिए वर्थ इट मूवी है। 2.5 घंटे की मूवी है लेकिन अपने ट्विस्ट और टर्न से आपको बांध के रखती है, आपको बोर नहीं करती है। साथ ही साथ भाई इसमें जो कोर्ट रूम का माहौल है ना, एक्चुअल में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, आपने किसी और मूवी में नहीं देखा होगा। खास करके बारीकियों पर भी काफी ज्यादा काम किया गया है। तो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो आप इसको डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। 7.5 की इसकी IMDb रेटिंग है और ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में। तो भाई नंबर 2 पर मूवी आती है बालवी, जो कि 2023 में आई हुई एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है और ये एक मराठी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 की है। और हाँ, टेंशन मत लो, ये हिंदी में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। तो इसमें हमें पति की कहानी दिखाई जाती है जिसका एक डॉक्टर के संग में अफेयर चल रहा होता है और वो अपनी बीमार पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है। तो वो सोचता है कि एक दिन अपनी पत्नी को रास्ते से हटा देगा और एक अच्छी लाइफ जिएगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब वो उस काम को एग्जीक्यूट करने जा रहा होता है तो उससे पहले ही उसकी पत्नी की डेथ हो गई होती है। भाई उसकी पत्नी की डेथ किसने करी, और उस मर्डर के चक्कर में वो काफी और ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है। और फिर तो भाई काफी सारे में मर्डर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको अच्छी सी ये एक्सपीरियंस करने को मिलती है कि थ्रिलर के साथ में आपको अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है। खास करके उसका जिस डॉक्टर के साथ में अफेयर चल रहा होता है वहां पर जो डार्क ह्यूमर वाले फनी सिचुएशनल कॉमेडी हमें देखने को मिलती है ना भाई, वो आपने शायद ही किसी मूवी में एक्सपीरियंस की होगी। तो काफी सारे ट्विस्ट टर्न और कॉमेडी के साथ भरी हुई ये मूवी आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इसी के साथ आ गए हम अपनी लिस्ट की नंबर 1 की मूवी की तरफ। और भाई ये मेरी लिस्ट की क्या बल्कि अब तक की मलयालम इंडस्ट्री की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी हो गई है और अभी 2024 की। हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना भी हो, और अभी तक नहीं सुना तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट जाकर इसको चेकआउट करो। या गाइस मैं बात कर रहा हूँ मंजूमल पर एक मूवी की जो कि 2024 में ही आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.4 की है और ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज के साथ में। ये एक सर्वाइवल ड्रामा थ्रिलर मूवी है और भाई कमाल की मूवी है। इसकी कहानी की बात करें तो कुछ दोस्त होते हैं जो कि ट्रिप का प्लान करते हैं और वो उस ट्रिप पर जाने के बाद एक प्रोहिबिटेड एरिया में चले जाते हैं, यानी कि जहाँ जाना मना होता है। उसका नाम होता है गुना केव। भाई वहाँ पर जाकर इनका एक दोस्त एक खाई में गिर जाता है, एक गुफा में गिर जाता है। वहाँ के जितने भी गाँव वाले पुलिस वाले सब लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा है, लेकिन वो दोस्त हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि अपने दोस्त के बिना वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तो उनमें से एक दोस्त उसको बचाने के लिए नीचे उतरता है, तो क्या वो अपने दोस्त को बचा पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और भाई मूवी में इतने सारे पॉजिटिव है क्या बताऊँ। पहली बात तो जब वो गिरने वाला सीन दिखाते ना, वहाँ की सिनेमाटोग्राफी देखो आप, अपने किसी बॉलीवुड मतलब इंडियन मूवी में अभी तक ऐसा सीन नहीं देखा होगा। साथ ही साथ शुरुआत के 30 मिनट तो वो कहानी को सेट करते हैं, दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है, नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन जब 35वें मिनट के बाद भाई गुफा में गिरने के बाद जो मूवी एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस करवाती है ना आपको थ्रिलर और सर्वाइवल, आपको बिल्कुल मजा आ जाने वाला है। साथ ही ये रियल घटना से आधारित है और इसमें आपको लास्ट में कुछ जो दोस्त लोग गए थे उनकी ट्रिप की फोटोज भी दिखाई जाती हैं, जिससे काफी ज्यादा चीजें रियलिस्टिक लगती हैं। हाँ ये तो पर्सनली रिकमेंडेड है, बिल्कुल जाकर चेकआउट करना, काफी कमाल की मूवी है। तो गाइस यही थी कुछ मूवीज, और तो वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, पार्ट 2 के लिए भी बताना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना भाई यार, इतनी मेहनत की है। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ।